हाय दोस्तों, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी। पी क्यू आर की डेफिनेशन दी हुई है, क्या है वो? एक ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ बनाता है? पॉइंट पी पर। इफ पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू की लेंथ दी हुई है, पी आर की लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर, तो आपसे क्यू आर की यहाँ लेंथ पूछी है। इस टाइप के प्रॉब्लम को समझने के लिए बेस्ट है कि आप इसका एक डायग्राम बना लें, आपको काफ़ी क्लैरिटी से ये प्रॉब्लम दिखने लगता है। देखिए, हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया। सबसे पहले जहाँ पर राइट एंगल है उसका पॉइंट बनाते हैं, जो चीज़ दी हुई है पहले वो बनाते हैं। सबसे पहले हमने पी बना लिया, क्यू और आप कहीं भी बना सकते हैं। तो क्यू हमने यहाँ बना लिया और आर हमने यहाँ बना लिया। देखिए, उसी हिसाब से इनकी लेंथ भी दिखी दिख रही है। 10 सेंटीमीटर ये हो गई, 24 सेंटीमीटर लगभग डबल से भी ज़्यादा दिख रही है, बनती हुई दिख रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों? हमें क्यू आर, हमें ये वैल्यू निकालनी है। किस तरह निकालेंगे? कोई भी राइट एंगल होता है, राइट एंगल का निशान बना देते हैं इस तरह से। दोस्तों, राइट एंगल जहाँ जिस पॉइंट पर भी आप बनाते हैं ट्राइंगल में, ये ज़रूर बना दीजिए, काफ़ी क्लैरिटी से आपको चीज़ें दिखने लगती हैं और सामने वाले को भी समझ में आता है कि आपने राइट एंगल पॉइंट पी को लेकर बनाया है। अब हमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है। जैसे ही राइट एंगल आपके दिमाग में आए, सबसे सबसे बेसिक प्रॉपर्टी राइट एंगल की जो है हमारे पास, वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। उस प्रॉपर्टी को दोस्तों आप यहाँ लगाएं और उसके हिसाब से इसका आंसर निकालें। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो दोस्तों तीनों साइड को कंसिडर करके बनाई हुई है। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस ऑफ बेस के स्क्वायर के, किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में। ठीक है दोस्तों, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी लगती है। अगर ऐसा है दोस्तों, तो हाइपोटेन्यूस क्या है? क्यू आर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है? पी आर स्क्वेयर प्लस ऑफ बेस क्या है? पी क्यू स्क्वेयर। यहाँ पर देखिए, हमें पी आर की वैल्यू दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है और पूछा क्या हुआ है? क्यू आर यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है, तो वही लिख देते हैं। क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, पी आर क्या है? पी आर है 24 का स्क्वेयर प्लस ऑफ पी क्यू क्या है? 10 का स्क्वेयर। सॉल्व करते हैं इसको। 24 का स्क्वेयर कितना होता है दोस्तों? 24 का स्क्वेयर होता है 576। 10 का स्क्वेयर सिंपल है, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 676। ठीक है, क्यू आर को जब हम निकालेंगे तो स्क्वेयर रूट कर देंगे किसका? 676 का। 676 किसका डायरेक्ट स्क्वेयर रूट होता है? 26 का। तो हम कह सकते हैं ये कितना हो गया? क्यू आर की वैल्यू 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमने ढूंढना था क्यू आर की वैल्यू, वो कितनी हो गई? 26 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। इस तरह से दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।